थोड़ा कुछ समझा देता हूँ कि जो फुटप्रिंट्स पार्ट है इसके लेखक जो है डॉक्टर प्रदीप आवटे हैं और ये ऊना से हैं। इनका जन्म 17 दिसंबर 1666 में हुआ था। यहाँ पे उनके बारे में अगर और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो देखो, ये फिलहाल अभी रनिंग में राज्य सर्वेक्षण अधिकारी, कोरोना बद्दल सर्व काही माहिती देणारे राज्याचे आरोग्य सर्वेक्षण अधिकारी म्हणून आता सध्याला कार्यरत आहेत प्रदीप आवटे। या पाठात यांच्याबद्दल अजून माहिती आपल्याला जाणून घ्यायची असेल, म्हणजे या प्रदीप आवटेनी आतापर्यंत जे काही केलेलं आहे, जे काही त्यांचं कार्य आहे ते खालीलप्रमाणे बघा। हे प्रसिद्ध कवी आहेत, गीतकार आहेत, कथाकार आणि नाटककार सुद्धा आहेत। त्यांची माझ्या आबाळातील गोष्ट, धम्मधारा या अनाम शहरात हे काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत। त्याच्या व्यतिरिक्त बघितलं तर जग्गूभैया जिंदाबाद, जादू की झप्पी, आणखी एक स्वल्पीराम या किशोरांसाठी कथा, किशोर म्हणजे लहान वयातील मुलांसाठी या कथा त्यांनी लिहिलेल्या आहेत। कादंबरी सुद्धा प्रसिद्ध आहेत, अडीच अक्षरांची गोष्ट हा ललित लेख संग्रह सुद्धा त्यांचा प्रसिद्ध झालेला आहे। माझ्या आबाळाची गोष्ट या काव्यसंग्रहाला साहित्य कला यादी या संस्थेचा पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे। गीत लेखनासाठी सामाजिक वनीकरण खात्याचा त्यांना पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे। राज्यस्तरीय नाट्यस्पर्धेत सर्वोत्कृष्ट लेखनाचा पुरस्कार सुद्धा त्यांना प्राप्त झालेला आहे। हे सर्व त्यांची कारकीर्द होती। पण आता आपल्याला ह्या पाठामध्ये पाहायचं काय, नक्की या पाठामध्ये काय आहे ते आपण पाहण्याच्या अगोदर थोडस सविस्तर समजून घेऊ, कारण हा पाठ कोणत्या बेसवरती तयार केलेला आहे आणि याच्यात तर तुम्हाला विद्यार्थ्यांना याच्यातून काय मिळणार आहे। सर्वप्रथम बघा, या ठिकाणी वर्ड दिलेला आहे ग्लोबल वॉर्मिंग। हा ग्लोबल वॉर्मिंग वर्ड सर्वांनी व्यवस्थित लक्ष द्या। ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजे काय हे आपल्याला सर्वप्रथम समजणं गरजेचं आहे। त्याच्यासाठी मी तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवेनच, पण तत्पूर्वी थोडस सविस्तर समजून घेऊ की या पाठात आहे, या पाठात काय आहे। ग्लोबल वॉर्मिंग मधून आपल्याला धरणी मातेला वाचवण्यासाठी वृक्ष संवर्धनाबरोबरच वैयक्तिक वाहनाऐवजी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर करावा, म्हणजे आपली जी ग्लोबल वॉर्मिंग वाढत आहे सध्याला त्याच्यामुळे आपली धरणी मात्र थोडस संकटात सापडल्यासारखी झालेली आहे। त्यांना वाचवण्यासाठी आपल्याला काय काय करायचं आहे त्याच्यावरती थोडंफार सविस्तर या पाठात दिलेलं आहे, ते आपण पाहायचं आहे। त्यासाठी आपली जीवनशैली कशी बदलायची, आपल्याला कशा प्रकारे बदल आपल्यामध्ये घडून आणायचा आहे, तो संदेश या पाठातून आपल्याला दिलेला आहे। आता पर्यावरण संवर्धनाचे महत्व विशद करून आपण ते पूर्ण सविस्तर या ठिकाणी बघणारच आहे। पण हे जे लेखक आहेत या पाठाचे, हे डॉक्टर प्रदीप आवटे, सर्वांना सविस्तर समजावं म्हणून हा त्यांचा फोटो तुमच्याशी शेअर केला। आता मी तुम्हाला या पाठाच्या संदर्भात ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजे काय हे सर्वप्रथम तुम्हाला समजायला पाहिजे, यासाठी मी एक छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला दाखवतो, तो तुम्ही पाहून घ्या। सभी स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दें, मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूं मेरा। सभी को वीडियो दिख रहा हा व्हिडिओ तुम्हाला दाखवण्याचा पाठीमागचा उद्देश आहे की तुम्हाला ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजे काय हे समजावं। हरितगृह परिणाम व जागतिक तापमान वाढ। आता ही आकृती पहा। या आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे सूर्याची उत्सर्जित ऊर्जा शोषून पृथ्वीच्या पृष्ठभागाकडून वातावरणात सोडली जाते। CO2 म्हणजेच कार्बन डायऑक्साइड हा वायू वातावरणात खूप कमी प्रमाणात आढळून येतो। सूर्याची ऊर्जा शोषून घेण्याचे मुख्य काम हा वायू करतो।
गेल्या 100 वर्षांपासून औद्योगिकीकरण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. या औद्योगिकीकरणामुळे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण वाढले आहे. कार्बन डायऑक्साईड वायूचा पृथ्वीच्या तापमानावर परिणाम होतो, यालाच आपण हरितगृह परिणाम असे म्हणतो. कार्बन डायऑक्साईड वायूप्रमाणेच नायट्रस ऑक्साईड, मिथेन वायू व CFC हे वायू वातावरणातील उष्णता कमी करण्यास मदत करतात. यांना एकत्रितपणे हरितगृह वायू म्हणतात. या वाढत्या हरितगृह परिणामामुळे जागतिक तापमान वाढत आहे. यामुळे हवामानात बदल घडून येतात. त्यामुळे पिकांचे उत्पादन, वन्यजीवांचे वितरण यात बिघाड झाल्याचे दिसून येते. तसेच हिमनग, हिमनद्या वितळून समुद्र पातळीमध्ये वाढ होत आहे. आम्लवर्षा, कोळसा, लाकूड, खनिज तेल यांसारख्या इंधनाच्या ज्वलनातून सल्फर व नायट्रोजन यांची ऑक्साईडे वातावरणात सोडली जातात. ही पावसाबरोबर पावसाच्या पाण्यात मिसळतात आणि त्यापासून सल्फ्युरिक आम्ल, नायट्रस आम्ल व नायट्रिक आम्ल तयार होते. ही आम्ले पावसाचे थेंब किंवा हिमकणामध्ये मिसळतात. त्यातून जो पाऊस किंवा बर्फ पडतो त्यालाच आम्ल वर्षा असे म्हणतात. आता ही आकृती पहा. या आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे SO2, NO2, CO2 हे वायू कारखान्यातील धुरांड्यातून बाहेर पडून पावसाच्या थेंबात किंवा बर्फाच्या कणात मिसळतात आणि आम्लाच्या स्वरूपात पृथ्वीवर येतात. अशा प्रकारे आम्लवर्षा पडते. आम्लवर्षेचे परिणाम: 1. आम्लयुक्त पावसामुळे मृदेची व पाण्याच्या साठ्याची आम्लता वाढते. त्यामुळे मृदेची सुपीकता कमी होते व पाणी दूषित होते. त्यामुळे जलचर प्राणी, वनस्पती, सजीव यांच्यावर वाईट परिणाम होतो. 2. तसेच इमारती, पुतळे, ऐतिहासिक वास्तू, पूल, धातूच्या मूर्ती, तारेची कुंपणे यांचे क्षरण म्हणजेच झीज होते. 3. आम्ल पर्जन्यामुळे कॅडमियम आणि मर्क्युरी सारखे जड धातू वनस्पतींमध्ये शोषले जाऊन अन्न साखळीमध्ये प्रवेश करतात आणि अन्न साखळीवर घातक परिणाम करतात. 4. जलाशयातील आणि जलवाहिन्यांतील पाणी आम्लयुक्त झाल्यामुळे जलवाहिन्यांच्या विशिष्ट धातूंचे व प्लास्टिकचे पेयजलात निक्षालन होऊन म्हणजेच मिसळून आरोग्याच्या खूप गंभीर समस्या निर्माण होतात. अशा प्रकारे आम्लवर्षेचे अनेक घातक परिणाम सजीव सृष्टीला भोगावे लागत आहेत. सर्व विद्यार्थ्यांना हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर समजला असेल की ग्लोबल वॉर्मिंग काय असतं, ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे आपल्याला कोणता कोणता त्रास होऊ शकतो, तर त्या संदर्भात हा व्हिडिओ तुम्ही पाहिला. आता आपण हा पाठ सविस्तर पाहूया. तर हा पाठ सविस्तर पाहूया, त्याचा मी व्हिडिओ तुमच्या समोर दाखवतो. सर्व विद्यार्थ्यांनी हा व्हिडिओ लक्षपूर्वक पहा. तुम्हाला मराठी व्हिडिओ आहे, तुम्हाला स्टार्टिंग मध्ये पाठाच्या सुरुवातीस अभिषेक आणि रेखा मावशी यांच्याबद्दल सांगितलेलं आहे. अभिषेकच्या घरामध्ये रेखा मावशी ही एक मोलकरीण म्हणून काम करत असते. ती प्रथम आल्या मतलब सबसे पहले आते ही उन्होंने अपना मोर्चा मतलब डायरेक्टली काम करने के लिए कहाँ पे गई, किचन में जो सिंक है, मतलब किचन में एक सिंक है जहाँ पे बर्तन वगैरह रखे हैं उनको धोने के लिए वहाँ पे उस साइड में वो चली गई. देखो यहाँ पे जो अभिषेक था तो उसको उठने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगा था. क्यों? उसकी एक वजह थी, क्योंकि काल त्याच्याकडे सुमित आला होता कानपूरहून. म्हणजे काल त्याच्याकडे सुमित आला होता आणि तो कुठून? कानपूरहून. मतलब सुमित कानपूर से उसके यहाँ पे आया था. सुमित नाम का जो लड़का है वो अभिषेकचा आते भाऊ आहे, मतलब उसका आत्या का लड़का वो है. और वो यहाँ पे
आता मतलब बुआ बुआ का लड़का है, तो आईआईटी कानपुर ला शिकत होता, कानपुर में आईआईटी है वहां पे वो पढ़ता था। काल संध्याकाळी सुमित आल्यापासून कंपन सोबत सुमितच्या लॅपटॉपवर त्याने दिलेले नवीन प्रोजेक्ट अभिषेक पाहत होता। देखो यहाँ पे सुमित आईआईटी में काम कर रहा था, इसका मतलब वो लैपटॉप में बहुत सारी काम करता होगा। तो वो घर पे आने के बाद रात भर कुछ काम कर रहा था, तो ये अभिषेक सब देख रहा था। काल संध्याकाळी सुमित आल्यापासून मतलब जब से सुमित आया है तब से उनके साथ तो गप्पा टाइम पास मतलब कुछ बातें चली रही थी, लेकिन सुमितच्या लॅपटॉपवर त्यांनी केलेले नवे प्रोजेक्ट मतलब वो एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, वो प्रोजेक्ट अभिषेक देख रहा था कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया है। बस वो प्रोजेक्ट देखते देखते उनको रात के 2 बज गए, मतलब सोने के लिए थोड़ा उनको टाइम लगा। यहाँ पे देखो ये रेखा मौसी है, सबने स्टार्टिंग में ही देखा था कि रेखा मौसी आती है सिंह की तरफ, जाती है बर्तन वगैरह धोती है, तो उस बर्तन धोने के बाद वो घर का भी काम करती थी। उस वक्त यहाँ पे जब वो ये सब काम करने लगी तब स्नेहल वहां पे आई थी, तब उन्होंने देखा स्नेहल ने की रेखा मौसी जब ये सब कपड़े मतलब नीचे से सब बर्तन वगैरह सब क्लीन करने के बाद जब फर्श पोछने का काम आया तब उन्होंने देखा कि पूछते समय थोड़ा सा वहां पे गंदा हो चुका था। स्नेहल ने उनको बोला कि काय हो तुम्हें फरसी पोछता आणि तुम्हें ती घाण करता, मतलब आप ही पोछ रहे हो और आप ही गंदे कर रहे हो। तो यहाँ पे जब रेखा मौसी ये फरसी पुसत होती, ज्यावेळेस ती फरसी पुसत होती त्यावेळेस रेखा मौसीच्या पायांचे ठसे पाठीमागे उमटलेले दिसत होते, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में इस पिक्चर में दिख रहा है ना, जो पीछे ऐसे पैरों के निशान दिख रहे फुटप्रिंट्स जिसको कहा जाता है। तब ज्यावेळेस अभिषेक आला त्यावेळेस त्यांनी ती सर्व फुटप्रिंट्स पाहिले। यहाँ पे एक वर्ड है भोक्ती, स्वच्छतेची भोक्ती असलेली स्नेहल त्यामुळे त्रासली। यहाँ पे भोक्ती का मतलब होता है एक क्या बोलते इसको, एक प्रकार की उनको आवड उनको मतलब हमेशा घर एकदम क्लीन एकदम नीट रहना चाहिए ऐसी उनको पहले से चाह थी, इसलिए उनको थोड़ा सा भी गंदा होता है उनको थोड़ा सा तकलीफ होती है। यहाँ पे वरमला, वरमला का मतलब होता है उदास। जब उन्होंने ऐसा कहा कि आप ही फर्सी पूछ रहे हो और आप ही गंदा कर रहे हो, तो इस बात से थोड़ा सा उनको शर्म सी आ गई, थोड़ा सा उदास हो गई। तब उन्होंने कहा देखो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ पे एसी में बैठ के काम करती हूँ, यहाँ पे सेना मातीत काम करावे लगते। सेना मातीत सेण मतलब गोबर और मिट्टी में हमें काम करना पड़ता है। आमचा वस्तीचा रास्ता सुद्धा समदा उखंडला है, मतलब जहाँ से वो आती है उसका रास्ता भी थोड़ा उखड़ चुका है, ऐसे एरिया से वो यहाँ पे उनके घर पे काम करने के लिए वहां से आती है, ऐसा उनके कहने का मतलब। यहाँ पे जब वो उस बस्ती से आती है उस वक्त बहुत सारी मिट्टी पैरों को लगती है और बार बार मतलब जब धूल वो लगती है पैर को उसको धोने के लिए मतलब आधा मिनटाला हाथ पैर धोया वेर नहीं, मतलब हमारे पास 10-10 मिनट में पैर धोने के लिए समय नहीं क्योंकि उनको काम करना पड़ता था, तो इसकी वजह से वेर नहीं, इसकी वजह से उनके जो पैर थे थोड़े से गंदे थे और ये सब अगर धोना भी पड़ेगा पैर तो उनके पास पानी भी इतना ज्यादा नहीं था, बक्कर मतलब उनके पास ज्यादा पानी नहीं था। यहाँ पे उन्होंने सॉरी कहा, मौसी खरच सॉरी, उनको पता नहीं था कि उन्होंने मतलब वो जब पर्सी पोच रही थी तब पीछे पैरों के जो निशान आ गए थे
तो उसके पीछे क्या रीजन था इनको पता नहीं था, जब उन्होंने बताया तब उनको पता चला, तब उन्होंने मावशी को सॉरी कहा। आपण त्यांच्या मळकट पायाबद्दल बोललो याचा स्नेहलला कसं तरी वाटलं, मतलब थोड़ा सा उनको लगा कि हाँ मैंने उनको ऐसी डांट दिया, इसलिए उन्होंने कहा सॉरी। देखो तिला टाचेली फाटलेली अगदल अगदी पातळ झालेली चप्पल आठवली, मतलब उनको चप्पल उनको चप्पल उनकी आपको पिक्चर में दिख रही है ना, उनकी जो चप्पल टाचेला फाटलेली मतलब पीछे के बैक साइड में फटी हुई चप्पल उनकी याद आई। ये सब बाहर ये सब जो हो रहा था रेखा मौसी और स्नेहल के बीच में जो आवाज आ रही थी, तब अभिषेक तो पहले से वहां पे पहुंचा था, तो वहां पे सुमित भी आ गया। सुमित तो रात को देर तक 2 बजे तक काम करते ये लोग सोए थे, लेकिन इनकी आवाज से सुमित भी वहां पे आया हॉल में। तो वहां पे जो भी प्रकार हो रहा था सब देखने के बाद उसको भी पता चला कि यहाँ पे क्या हो चुका है। गणेश सर, सर आप ये वीडियो प्ले कर रहे हैं ना, तो वीडियो का आवाज म्यूट कर दीजिए, बहुत इरिटेटिंग आवाज है, तो आप ही बोलिए जो है वीडियो प्ले करके, है ना सर? हाँ चलेगा सर। हाँ इसका खाली म्यूट कर दीजिए वीडियो को। इसलिए मैंने आपको बोला था थोड़ा सा आवाज की इसकी प्रॉब्लम है। हाँ नहीं ठीक है, कैसे वो रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है ना, तो इरिटेटिंग हो रहा है, बच्चे को भी थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। ओके चलेगा, उसको एक्सप्लेन कीजिए खाली, उसको आवाज कम कर दीजिए वीडियो का। हाँ सभी स्टूडेंट बस मैं प्ले करूंगा, नीचे वैसे भी लिखा हुआ आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो हा सगळा प्रकार त्यांच्या लक्षात आला तेवढे पावडे काकाही तिथे आले, तो उतने में पावडे काका भी वहां पे आ चुके हैं। अब पावडे काका वहां पे आने के बाद वो देखो आज बाबा आणि पावडे काका कुठला तरी कार्यक्रमाला जाणार होते, मतलब अभिषेक के बाबा और जो पावडे काका है एक प्रोग्राम में जाने वाले थे, तो उतने में ही स्नेहल पावडे काका ने पानी दिला। स्नेहल आती है और जो पावडे काका उनके घर पे आए हैं, तो उन्होंने उनको स्नेहल क्या करती है थोड़ा सा पानी देती है। पानी देने के बाद तो वहां पे फरसी पुसणाऱ्या रेखा मौसींचं लक्ष पावडे काकांच्या तळव्याकडे गेलं। वहां पे जो पावडे काका आए थे उनके पैरों की तरफ इनका थोड़ा सा ध्यान गया कि उनके पैर कैसे हैं। तब उन्होंने देखा कि रेखा मौसी ने देखा कि पावड़े काका के पैर एकदम गोजीरा गुलाबी तड़वा एकदम मुलायम एकदम गुलाब की तरह, कुठे चिरना नहीं कि काही नहीं, मतलब किसी भी जगह पे जरा सा भी क्रैक नहीं था, इतना सुंदर उनका पैर दिख रहा था। तो यहाँ पे चिरने चिरने का मीनिंग होता है चिरा या फिर भेगा क्रैक्स, जो एडियल फटती है ना तब उसको कहा जाता है चिरने। एकदम लोण्यागत पाया है काकांचा, रेखा मौसी स्वतःशीच फुटफुटल्या, मतलब खुद को ही अपने मन में बोली कि इनका पैर तो एकदम लोण्यागत है, लोण्यागत मतलब मक्खन की तरह एकदम मुलायम सा पैर है, ये पावडे काकांचा एकदम मुलायम सा पैर है, ऐसा उन्होंने कहा। देखो लोण्यागत एकदम मऊ एकदम सॉफ्ट, त्यांनी स्वतःच्या पायाकडे पाहिलं, पायाला कितीतरी चिरण्या पडल्या होत्या। जब उन्होंने पावडे काकांचा पैर देखा तो एकदम मुलायमसा पैर था एकदम नरमसा पैर था, कहीं पे भी क्रैक्स नहीं थे, लेकिन उनके पैर देखने के बाद उन्होंने अपने भी पैरों की तरफ देखा, त्यांनी स्वतःच्या पायाकडे पाहिलं, पायाला कितीतरी चिरण्या पडल्या होत्या, तो उनके पैरों को मतलब बहुत सी जगह पे ना क्रैक्स गिरे थे। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा उनके पैरों को बहुत सारे क्रैक्स पड़े थे, माती धूल बसून त्या काळ्या पडल्या होत्या, और उस क्रैक्स में मिट्टी जाने की वजह से सब ना काले काले से पड़ गई थी उनकी एडिया। अभिषेक स्नेहल के बाबा, मतलब ये अभी जो व्यक्ति आपके सामने दिख रही है अभिषेक और स्नेहल के बाबा है, वो तैयार होके हॉल में आ गए, क्योंकि पावड़े काका और इनको कहीं बाहर किसी काम से जाना था, इसके वजह से तैयार होके नीचे आए हॉल में आते हैं। और हॉल में आने के बाद उनको भी पता चलता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है। तब देखो मामा मैं एक ऐप तैयार के लिए, सुमित ने कहा कि मैंने एक ऐप बनाया है, त्या ऐपच्या सहाय्याने आपण कोणाची पाय किती स्वच्छ आहेत, मतलब जो उन्होंने ऐप तैयार किया क्योंकि वो IIT में काम करता था, उसने कहा कि मैंने जो एक ऐप तैयार किया है
उस ऐप की सहायता से हम लोग ये देख सकते हैं कि किसके पैर कितने क्लीन है, कितनी स्वच्छ आए, ये सांगू शक्तु सुमित ने सांगितले। और सुमित बोलने लगा कि मैंने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिस ऐप के सहारे हम लोग देख सकते हैं कि किसके पैर कितनी क्लीन है। वो अपने मोबाइल में दिखाने लगा कि ऐप कैसा है, क्या है। तो सुमित, अरे पाय स्वच्छ आहेत की नाही हे सांगायला ऍपची गरज नाही। आप सभी स्टूडेंट भी जान सकते हैं कि अगर किसी के पैर गंदे हैं या नहीं है, इसको देखने के लिए किसी ऐप की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके लिए हम लोग नजरों से ही देख के ही हम लोग को पता चलता है कि पैर कितने गंदे हैं। अगर आप लोगों को पैरों में गंदगी दिखती है, थोड़े से काले दिखते हैं, तो पैर हम लोग गंदे समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सुमित ने एक ऐसा ऐप तैयार किया था जिसकी वजह से सब दिखाई देगा कि सही में पैर कितने गंदे हैं। तो सुमित यहाँ पे वो बाबा बोलने लगते हैं कि तुम्हारा टेक्नो से भी लोकांना कशाचंही ऐप करण्याशिवाय काहीच सुचत नाही। मतलब आप जब भी देखो कोई भी ऐप बनाते रहते हो तो आपको कुछ इसके सिवाय कुछ सूझता ही नहीं, ऐसे इनके कहने का मतलब। तो यहाँ पे टेक्नो से भी मतलब तंत्र स्नेही जो कंप्यूटर से रिलेटेड सभी जानकारी रखते हैं। तो उतने में सगळ्यात भारी ऐप डोक्याच्या कवटीत आहे हे विसरलात की काय तुम्ही लोक। उनके कहने का मतलब था कि सबसे भारी ऐप ये जो एप्लीकेशन है अपने दिमाग में है, आपल्या डोक्याच्या कवटीत आहे हे विसरलात, मतलब ये आप भूल रहे हो। बाबांनी अनाठाई टेक्नोलॉजी बद्दल अपनी मळमळ व्यक्त केली। उनको लगा कि ये सब हमेशा अभी जो न्यू जनरेशन है वो हमेशा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसलिए उनके मन में जो खंत थी, मतलब उनके मन में जो भावना थी, उन्होंने यहाँ पे उनके सामने व्यक्त की। अनाठाई मतलब यहाँ पे देखो गरज नस्ताना, मतलब उनको बोलना नहीं था, लेकिन उन्होंने जो मन में दबा के रखा था उन्होंने डायरेक्टली उनको बोल दिया। मर्मर व्यक्त करने मतलब नाराजी व्यक्त करनी, ये वाला आपको एग्जाम में वर्ड आ सकता है। मर्मर व्यक्त करने मतलब नाराजी व्यक्त करनी, वाक्य प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा, इसमें ये वर्ड आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा फोकस करो। मर्मर व्यक्त करने म्हणजे नाराजी व्यक्त करने। मामा गम्मत तर बघू तू माझ्या ऐपचे, मतलब वो बोलने लगा कि मामा अब मैंने जो ऐप बनाया उसकी थोड़ा गम्मत देखो, मतलब उसका थोड़ा मजा देखो। त्याचं नाव आहे फुटप्रिंट्स, और सुमित ने जो ऐप बनाया था उस ऐप का नाम था फुटप्रिंट्स। असं म्हणत सुमित ने अपना स्मार्टफोन काढला, ऐसा बोला, और उन्होंने उसके पास जो स्मार्टफोन था वो स्मार्टफोन बाहर निकाला। अब देखो उसके पास स्मार्टफोन था और स्मार्टफोन में उन्होंने क्या किया, शुरुआत करूया रेखा मावशी पासून, मतलब ये जो ऐप है उस ऐप में कुछ इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है, उस फिल करने के बाद उसका रिजल्ट आता है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि पहले हम लोग शुरुआत करेंगे रेखा मावशी से। इसलिए उन्होंने चांचा पायाबद्दल स्नेहा दीदी ने आक्षेप नोंदवला होता, मतलब कुछ तकरार हो चुकी थी उनके बीच में, जो उन्होंने उनको चिल्लाया था कि आप फर्सी पोच रहे हो, आप ही गंदा कर रहे हो, तो हम लोग सबसे पहले उन्हीं के पैरों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे जो ऐप में डालूंगा, तो पता चलेगा कि इनका पैर कैसा है। तो उन्होंने शुरुआत के लिए रेखा मावशीच्या पायांपासून, पायांच्या माहितीपासून शुरुआत केली। स्नेहलचा चेहरा पडला, तिला स्वतःचाच राग आला जब उसने कहा कि सुमित ने कि हम लोग पहले उसके पैरों से ही स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा उसको गुस्सा आया क्योंकि वो उस पर चिल्लाई थी, इसलिए थोड़ा सा लगा। सुमित ने अपना एंड्रॉयड मोबाइल ऐप उगड़ा, उन्होंने क्या किया अपने एंड्रॉइड मोबाइल जो था उसके पास, तो उसमें वो ऐप ओपन किया जो फुटप्रिंट्स नाम का ऐप था, वो उसने ओपन किया आणि रेखा मावशीना काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केली, क्योंकि उस ऐप में कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती थी तभी उसका रिजल्ट निकलता था, तो उन्होंने उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना स्टार्ट किया। देखो क्या क्या प्रश्न पूछता है, मावशी तुम्ही राहता कुठं,
मतलब उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन किया कि मौसी आप कहाँ पे रहते हो, तो उसका आंसर क्या मिला देखो, तो उन्होंने कहा त्या टेकड़ी पल्याकड़, मतलब वहां पे एक जो पहाड़ है उस पहाड़ के पीछे मैं वहां पे रहती हूँ। सुमित ने आपल्या अँड्रॉइड मोबाईल मधलं ऍप उघडलं आणि रेखा मौसीने काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केली। हाँ, तुम्ही राहता कुठे, त्या टेकडी पल्याकड, उन्होंने कहा, उन्होंने आंसर दिया था टेकडी पल्याकड मतलब टेकडीच्या पलीकडे, मतलब एक पहाड़ के पीछे मैं वहां पे रहती हूँ। इथून किती किमी आहे, किमी का मतलब किलोमीटर, मतलब यहाँ से जहाँ पे वो घर पे काम करती है वहां से लेकर वहां तक का डिस्टेंस है कितना, सुमित ने उनको पूछा। तीन, मतलब डिस्टेंस था 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तुम्ही कशा आलात इथपर्यंत, और उन्होंने पूछा 3 किलोमीटर डिस्टेंस घर से वहां तक का है तो आप वहां से यहाँ तक कैसी आई। गेल्या महिन्यापासून महिन्यापासून चालत येत होते, मतलब पिछले एक महीने से मैं तो वहां से यहाँ तक चल के आती थी, पण आता माझ्या लेकाने एक सायकल दिली आहे मला, लेकिन अब मेरे लड़के ने मुझे एक सायकल लेके दी है जिसकी वजह से मैं अभी साइकिल पे आती हूँ, ऐसे रेखा मौसी का कहना था। देखो तो महीना पत्र मतलब गेला महीना पर, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन करते समय आपको कहा था, तब आता साइकिल नहीं थे, मतलब उनके कहने का मतलब था पहले मैं चल के आती थी लेकिन अब मैं साइकिल से आने लगी। ये सभी इंफॉर्मेशन सुमित अपने ऐप में डाल रहा था, आठवड्यातून सरासरी किती किलोमीटर फिरती होती, ती फिरती तुमची कशी कशी करता, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा कि इस हफ्ते में मतलब कितनी बार आना जाना आपका होता है और कैसे करते हो, सभी इंफॉर्मेशन वो रेखा मौसी को पूछने लगा। फिरती फिरने मतलब रोमिंग, कितना आप यहाँ से वहां घूमते हो, और एक क्वेश्चन उन्होंने और एक अलग सा क्वेश्चन पूछा, आतापर्यंत कितनी झाड़ लावली आहेत तू, मतलब उन्होंने पूछा क्या आज तक आपने कितने पेड़ ऐसे लगाए हैं। रेखा मौसी फिरायच्या पायीच कधीतरी सायकलनं त्याच्या इवल्याच्या झोपडी पुढे त्यांनी 2 झाडं लावली होती, मतलब वो जब भी जहां यहाँ कहीं पे भी अगर जाना रहेगा तो चल के ही जाती थी, लेकिन कभी कभी साइकिल से भी जाती थी। त्यांच्या इवल्याच्या झोपडी पुढे मतलब छोटी सी एक झोपड़ी थी उनकी, उस झोपड़ी के सामने उन्होंने 2 पेड़ लगाए थे, उन्होंने ऐसा आंसर दिया कि 2 ही पेड़ लगाए थे, उनकी झोपड़ी है उसके सामने जो 2 पेड़ लगाए थे वो भी त्यातलं एक लिंबोणीचं होतं और उसमें एक लिंबोणीचं पेड़ था, लिंबोणी मतलब नीम का पेड़। एवढी सगळी माहिती सुमित का घेतोय ते कोणालाच कळेना, रेखा मावशी तर फार गडबडून गेला, मतलब वो तो उनको सूझी नहीं रहता कि ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा मतलब गड़बड़ आ गई, क्योंकि सुमित ये सभी इंफॉर्मेशन लेके अपने मोबाइल में तो डाल रहा है लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा ये किसी को पता नहीं था। आता पहा हा है रेखा मौसींच्या फुटप्रिंट्स, मतलब उन्होंने सभी ऐप में इंफॉर्मेशन डालने के बाद उनके सामने कुछ रिजल्ट आया और उन्होंने बताने लगा कि अब देखो ये रेखा मौसींच्या फुटप्रिंटचा रिजल्ट, असं म्हणत त्याने मोबाईलचं कसलं तरी बटन दाबलं आणि स्क्रीनवर पायपुसणीच्या आकाराचा एक निळा चौकोन उमटला, अगदी आबाळाच्या निरभ्र तुकड्यासारखा। देखो जैसी इन्फॉर्मेशन सब डाली उसके बाद लोडिंग हुआ, सब इन्फॉर्मेशन लोडिंग होने के बाद एक वहां पे स्क्रीन पे थोड़ा सा मतलब पायपुसणीच्या आकाराचा एक निळा चौकोन, एक ब्लू कलर का एक बॉक्स आया, उस बॉक्स में पायपुसणी, पायपुसणी मतलब अपने जो पैरों के निशान होते ना, उस पैरों के निशान की तरह कुछ दिखा उसको, अगदी आबाळाच्या निरभ्र तुकड्यासारखं, निरभ्र मतलब ढग नसलेले, एकदम आसमान जैसे खुला दिखता है ना बिल्कुल उसी प्रकार। सभी लोग आव वासून पाहत राहिले, सब लोग आश्चर्य से देखते रह गए कि त्या निळ्या तुकड्यात मधोमध 2 पावलं उमटली होती, उन्होंने देखा कि उस बॉक्स में सेंटर में 2 निशान थे, 2 पैरों के निशान थे। अब देखो आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो जो 2 निशान थे वो 2 निशान इस प्रकार दिख रहे थे उनको, तो दोनों निशान देखने के बाद ये जो स्क्रीन पर उनको 2 निशान दिखे, 2 पावलं जो उमटलेले होते त्यांना पाहून त्याच्यावरती काहीतरी लिहिलेलं होतं, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स, मतलब जे सिल्वर फुटप्रिंट तो ऊपर लिखा हुआ था, सिल्वर मतलब होता है एक चंदेरी वर्क, जैसे आपने मिठाई देखी होगी मिठाई के ऊपर एक लेयर सा आता है वो चंदेरी, उसको वर्क कहा जाता है, तो उसके कलर का
एक निशान था और उसके नीचे लिखा हुआ था, इंग्लिश में लिखा था द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स। द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स का मतलब क्या होता है बता सकते हो? द मोस्ट क्लीन का मतलब होता है सर्वात स्वच्छ आपके पदचिन्ह, मतलब एकदम क्लीन, सबसे अच्छा आपका पैर है, ऐसे उनके कहने का मतलब था। सिल्वर फुटप्रिंट, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, तो वो वहां पे लिख कर आए कि उनके पैर बहुत सुंदर है, बहुत क्लीन है। वाह, पायलट एका मोशनचे पाय चंदेरी आहेत, एकदम स्वच्छ, झऱ्याचा स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे, सुमित ओरडला। उतने में सुमित चिल्लाया कि देखो कितना अच्छा है रिजल्ट। जब अच्छा आया तो वो चिल्लाने लगा, मतलब ओरडला और बोला कि उनके पैर कितने क्लीन है, बहुत मस्त है। झऱ्याचा स्फटिक पाण्यासारखा, मतलब जैसे झरने का स्वच्छ पानी आता है, बिल्कुल उस प्रकार उनके पैरों के निशान है, ऐसे सुमित बोलने लगा। या हे भलतच, मतलब यहाँ पे बाबान को लगा कि ये कुछ अलग ही है। देखा मावशींच्या पायाकडे पाहत पावडे काका म्हणाली, और उस वक्त उनके पैरों की तरफ देखकर पावडे काका कुछ बोलने लगे, और वो बोले सुमित ने हलकच पावडे काकांच्या गोजिरा तळ्याकडे पाहिलं आणि म्हणाला, मतलब उस वक्त सुमित को लगा कि जब वो वहां पे बोल रहे पावडे काका उनकी पैरों की तरफ देख के रेखा मावशी की, तो सुमित ने उतने में ही कहा पावडे काकांच्या गोजिरा तळ्याकडे पाहून, उनके जो मुलायम पैर थे उनकी तरफ देख के कहा काका आपण तुमच्या पायाचं ही पाहूया का, मतलब अभी जैसे हम लोगों ने रेखा मौसी के पैरों के जो निशान थे, मतलब पैरों के रिजल्ट हम लोग जो देखे, जो इन्फॉर्मेशन फील की इस ऐप में, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम क्या करेंगे कि आपके पैरों के निशान की कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग इसमें डालेंगे, तो क्या रिजल्ट आता है हम लोग देखेंगे। त्यात पायाचं काय, उन्होंने पावडे काकाने कहा त्यात पायाचं काय, हे बघ माझे पाय किती स्वच्छ आणि मऊसूत आहे। उन्होंने अपना पैर दिखाया और कहा कि मेरे पैर कितने क्लीन है, कितने मऊ और मुलायम है। पावडे काका सगळ्यांना पाय दाखवत म्हणाले, अपने पैर सबको दिखाए और बोलने लगे कि देखो मेरे पैर कितने क्लीन है, कितने मतलब सॉफ्ट है, ये सब बोलने लगे। पण काय, पण चला काय सांगते तुमचे ऐप, हे तरी पाहूया, त्यांनी कुस्ती जोडली। उन्होंने भी हाँ में हाँ कहा और कहा कि चलो अभी हम लोग इससे मतलब रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन ले सकते, मतलब अधिक माहिती अपन मिळूया, मतलब उनके पैर के निशान। सुमित ने पावडे काकांचा डेटा ऐप मध्ये भरायला चालू केला, मतलब सुमित ने ऑन किया और शुरू किया, काका आता तुम्ही कोठून आलात, मतलब आप अभी कहाँ से आए हो। जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन किया तब पावडे काका ने कहा कि मैं विश्रांतवाडी हूँ, मतलब मी विश्रांतवाडी हूँ आलो आहे। विश्रांतवाडी हे शहर पुण्यामध्ये येतो, अर्थातच कार ने। और उन्होंने पूछा कैसे आए हो, तो पावडे काका ने कहा कि मैं कार से आया हूँ। तो कितना डिस्टेंस था, 20 किलोमीटर कार ने तुम्हें एकटा चाला, 20 किलोमीटर डिस्टेंस था, और कैसे आए, अकेले आए। सुमित की शंका हो काका, मतलब उनको लगा कि हाँ इतना 20 किलोमीटर डिस्टेंस से आप अकेले आए हैं और वो भी कार से। अच्छा पण काका आठवड्यात तुमचं फिरणं किती होतं। उन्होंने पूछा कि हफ्ते में आप कितना घूमते हो, आपको कितना घूमना पड़ता है, ऐसा वो उसको पूछने लगा। अरे माझं ऑफिस माझ्या घरापासून 16 किलोमीटर आहे, मतलब मेरा जो ऑफिस है घर से 16 किलोमीटर की दूरी पे है, रोजचे 35-40 किलोमीटर तर नक्कीच होतात, मतलब घर से 16 किलोमीटर है, आना जाना ऐसे मिला के 35-40 किलोमीटर तो आराम से होता है। आणि हे सगळं कारण तुम्ही एकटेच येता करता। सुमित पूछने लगा कि आप इतना घर से लेकर ऑफिस तक जाते हो, ये सभी कार से और अकेले ही जाते हो, ऐसे इनके कहने का मतलब था। हो नहीं तर आज म्हणजे आजकाल अगर देखा जाएगा तो आज बसला लटकत जाऊ म्हणतोस का, काका चिडून म्हणाले। मतलब उनके पास कार थी इसलिए वो बोल रहे थे मैं कार से आता जाता रहता हूँ, नहीं तो क्या मैं बस में जाकर धक्के खाते खाते वहां तक जाऊँ, थोड़ा सा मतलब चिडून म्हणाले। काका तुम्ही काही झाडे लावली आहेत का, तो उन्होंने पूछा अगर आपने कुछ पेड़ लगाए हो तो बताओ, इन्फॉर्मेशन उसको फीड करनी थी। तो उन्होंने कहा पावडे काकूंनी कुंडीतल्या रोपाकरिता माती मागवली तर ती आणून देणं नाही काकांना, ते झाड काय लावणार। स्नेहल ने कहा कि पावडे काकां को अगर कुछ पावडे काकू मतलब पावडे काकां की पत्नी वो कुछ रोप अगर उनको लगाना रहता था तो रोपान करीता मतलब पौधे लगाने अगर रहते थे तो स्नेहल से कुछ मिट्टी मांगती थी लेके आओ करके। तो उन्होंने कहा कि अगर पावडे काका की वाइफ को अगर वो खुद मिट्टी लेकर मतलब वहां पे जाकर देती है
तो पावड़े काका कहाँ पे पेड़ लगाएंगी? स्नेहल एकदम ना स्ट्रेट ड्राइव लावला, मतलब अचानक से एक शॉट लगाते ना, अच्छा क्रिकेट में आपने देखा होगा कोई एक ऐसा शॉट लगता है तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने एक शॉट लगा दिया, मतलब बीच में ऐसी बात कही जिसके वजह से सबको थोड़ा सा अजीब लगा। सुमित ने पावड़े काकांची आणखी काही माहिती घेतली आणि ॲपवर भरली। सुमित ने और भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली और उस ऐप में पूरा इन्फॉर्मेशन फिल किया। सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद पुनः निळा टुकड़ा चमकना, मतलब सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद उसको सेव किया जाता है, सेव करने के बाद उसका रिजल्ट आता है, तो पुनः निळा टुकड़ा चमकला आणि क्षणातच त्या निळा तुकड्यावर पावडे काकांची पावलं उमटली। मतलब कुछ ही देर में वहां पे एक फुटप्रिंट्स के निशान आए, निशान कुछ काले कलर के दिखाई दे रहे, देखो आपको। जैसे ही वो निशान आए तो निशान आने के बाद उन्होंने देखा कि ये जो निशान है बिल्कुल काले कलर के हैं। अब उस काले कलर के निशान में देखो दोन काली कुट्टे पाऊल चिन्ह उमटली आणि खाली शब्द आले, मतलब दो काले कलर के तो निशान आ गए और उसके नीचे कुछ लिखा हुआ आया। अब क्या लिखा हुआ आया था देखो, सॉरी यू हैव डर्टीस्ट फुटप्रिंट परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स, मतलब आपके जो पैरों के निशान है, छमस्व बोलते हैं, छमस्व आपके पैरों के जो निशान है पदचिन्ह अग्नि योग्य काला फुटप्रिंट का है, मतलब आपके पैरों के निशान एकदम बिल्कुल काले हैं। पावड़े काकांचा चेहरा एकदम पड़ला, मतलब उन्होंने उनके पैर क्लीन है लेकिन ये सब क्या नाटक चल रहा है, मतलब उन्होंने कहा कि थोड़ा सा चेहरा पड़ला, मतलब थोड़ा सा नाराज हो गए। असला वर्चुअल गोष्टी मला सांगू नका, मतलब ऐसी बातें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है सब मुझे मत बताओ, थोड़ा सा गुस्सा हो गए। सुमित ने त्यांच्या नाराज चेहऱ्याकडे पाहिलं आणि तो समजवणीच्या सुरात म्हणाला, मतलब थोड़ा सा नाराज चेहरे की तरफ देखा और थोड़ा समझाते हुए उनको मतलब हल्के से आवाज में कुछ बोलने लगा, माफ करा काका पण ही पावलं वर्चुअल नाही, मतलब आप थोड़ा मुझे माफ कर दो, ये वर्चुअल नहीं है, उलट पक्षी की अधिक खरी खुरी है, मतलब ये बस दिखावा नहीं है, ये सब सच है। आपको लगता है कि बस मोबाइल से कुछ बनाए आए तो ये ऐसा मत समझो इसको, क्योंकि ये क्यों सच है क्या है वो सब बताने लगा। देखो काका हे ऐप आपले दैनंदिन व्यवहारात अपन किती कार्बन वातावरण सोड़ते हे मोजत, मतलब ये आप ऐप का जो काम था हम लोग इस दैनंदिन व्यवहार में, मतलब रोज के जीवन में हम लोग इस वातावरण में कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो ये काउंट करने का काम ये ऐप करता है। थोड़क्यात आपल्या जीवनशैलीतून उमटणाऱ्या आपल्या कार्बन प्रिंट रेखाटते, मतलब अपने जीवनशैली में हम लोग जो भी करते हैं वो कार्बन प्रिंट के जरिए सब दिखाने का काम आपको करता है, ते आपल्या उघड्या डोळ्यांना दिसत नाही लेकिन ये सब हमें अपनी खुले आंखों से नहीं दिखता है। देखो आता तुम्ही 20 किलोमीटर अंतर तुमच्या कारने येता तेव्हा तुम्ही किमान 1 लिटर पेट्रोल जाळता। देखो पेट्रोल जब जलता है तो उसमें से धुआं निकलता है, धुआं निकलने के बाद जैसे आपने स्टार्टिंग को आपको एक मैंने वीडियो दिखाया था उसी में आपने देखा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग में किस प्रकार क्या क्या मतलब मिलने के बाद सब हानि हो जाती है। तो ये 20 किलोमीटर चलने के लिए 1 किलोमीटर पेट्रोल जलाते हो तो इस जगह पे तो अगर आप देखो 20 किलोमीटर पेट्रोल तो जल ही रहा है अकेले जा रहे साथ में, तो म्हणजे त्याच्या दुपटीहून अधिक कार्बन डायऑक्साइड वातावरण सोडतात, इससे डबल कार्बन डायऑक्साइड आप इस वातावरण में छोड़ रहे हो। काही तरी मला नाही पटत, काका बोलने लगे कि आप कुछ भी बोल रहे हो मुझे तो ये सब नहीं अच्छा लगा। काका हे एक शास्त्रीय सत्य आहे, तुमच्या कार्बन सोडण्याच्या प्रमाणावरून पावडे काकांना जे पावलांचा रंग ठरतो। उन्होंने कहा कि कार्बन आप कैसे छोड़ते उसके ऊपर इसका डिसाइड होता है कि कलर कौन सा है। रेखा मौशीच्या रोजच्या जगण्यात कार्बनला उत्सर्जनाला वावच नाही, मतलब वो जो रेखा मौशी आती जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ ठिकाना ही नहीं है, मतलब वो तो साइकिल से आती है चल के आती है, तो गाड़ी पेट्रोल मतलब नहीं है उनके पास इसलिए वो उनके पैरों के निशान एकदम क्लीन आए। म्हणून आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर चंदेरी मतलब जो निशान आए थे ये सब वो समझाने लगा पावडे काकांना। तो उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर टाकने, मतलब कार्बन बाहर छोड़ते हैं। बापरे आपण फरशी घाण होण्याची गोष्ट करत होतो, स्नेहल बोलने लगी, आपण तर अवघा वातावरण घाण आणि प्रदूषण करतो। तो उनके कहने का मतलब यही था कि हम लोग बस फरशी क्लीन करने की बात कर रहे लेकिन यहाँ पे तो हम लोग कितना वातावरण प्रदूषित कर रहे, कितना दूषित कर रहे, घाण कर रहे, सब वो बोलने लगी। गणेश सर, हाँ सर,
सर 2 मिनट बचा है सर। हाँ बस कर देता हूँ, खत्म हो गया। बाप रे, आपली फरशी घाण होण्यासाठी गोष्ट करतो पण अवघड वातावरण घाण प्रदूषण करत असतो। इस पार्ट में कहने का मतलब यही था, किती प्रचंड कार्बन चिकटलेला असतो, मतलब अपने पैरों को बहुत सारा कार्बन चिपका हुआ रहता है। ग्लोबल वार्मिंग ला अपन हाथ पर लावला पाहिजे, मतलब इन सभी चीजों से अगर देखा जाएगा तो अपनी जो धरती है उस धरती को अगर हमें अच्छे से क्लीन रखना है तो इन चीजों को, मतलब सार्वजनिक वाहन वगैरह है तो इन सभी को थोड़ा सा हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि स्नेहल ने डिसाइड किया कि मैं कॉलेज ला जाता ना साइकिल वापरना, मतलब अभी ट्रैवलिंग करेगी तो बस साइकिल से करेगी, बस या कार से नहीं जाएगी। स्नेहल ने भी कहा, थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड करके ले रहा हूँ तो अपने पास टाइम थोड़ा कम बचा है, तो उन्होंने कहा। उसके बाद अभिषेक भी कहा कि माझा कॉलेज जवळ बस स्टॉप है तो मैं सुधा अच्छा पासून बसने से जा करेन। सब लोग डिसाइड करे, अगर हम लोग अगर अभी से और अपने से खुद से अगर स्टार्ट करेंगे तो अपनी इस धरती को प्रदूषित होने से हम लोग बचा सकते हैं। तो पावडे काका ने, उन्होंने भी डिसाइड किया कि आज से हम लोग भी क्या करेंगे, चालने सटी वगैरह हम लोग साइकिल यूज करेंगे या फिर चल के जाएंगे, कहीं नजदीक जाना है तो। बहुत सारे लोग अगर सब्जी के लाने के लिए भी जाते हैं तो गाड़ी लेके जाते हैं, तो ये सब अगर हम लोग नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। यही सोच के उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी इस धरती को, पर्यावरण को अगर बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो हमें इन सभी चीजों को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा और अच्छे से, मतलब चल के जाना या फिर देखो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक वाली भी बात कही है, तो ये सभी चीजों को थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। जस्ट अभी मैंने कहा था ट्रैवलिंग वाला, ये सब यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है। उतने में ही रेखा मौसी ने लास्ट में जो पैरों के निशान थे सब बोल रहे थे, उतने में अपने पैरों के निशान को अच्छे से उन्होंने क्लीन कर लिया। बस लास्ट एंड यही था।